ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण नाम अपराध के विषय में चर्चा करेंगे, जो यहां कहा गया है, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और उनकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। विषय आसक्ति, विषयों की आसक्ति का अर्थ है भौतिक चीज के विषय के विषय में कहा गया है, भौतिक आसक्ति बनाए रखना ये अपराध है। इसके पहले ये कहा गया है कि भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना कि हमें सुखी कर सकता है या फिर प्रेम प्राप्त करवा सकता है, ये विश्वास नहीं है। अरे कब होगा, कितने समय से कर रहा हूं, कुछ उसका फल नहीं मिल रहा है, ऐसा विश्वास न होना। वो भले फिर प्रेम भी क्यों ना हो, प्रेम भी नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसा विश्वास न होना, क्योंकि हम भौतिक चीजों के प्रति बहुत विषय आसक्ति बना के रखते हैं, इसीलिए प्रेम प्राप्त नहीं होता है। दैट देर इज नो यू नो डाउट, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ऐसे कई उदाहरण भी है, समझ गए। यहां कहा गया, अहम मम बुद्धि त्याग न करीबे, अहम मेरा और मैं की बुद्धि को त्याग न करना, क्या अहम मम बुद्धि त्याग न करीबे, तो ये प्रमाद है, ये अपराध है। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है संस्कृत में, श्रुते अपि नाम महात्मे यह प्रीति रहितो नरादम ममादि परमो नामनी सो अपि अपराध कृत्त, तो ये अपराध है ऐसा कहा गया। तो कई बार हम गुरु कहो, अनेक गुरुजन कहो, आचार्य कहो, भागवत कथा सुनते हैं हम या उनको श्रवण भी करते हैं और कई बार करते रहते हैं, रेगुलर, जैसे हम अभी महाराज के साथ रेगुलर जपा टॉक में बैठते हैं और वो भी बड़ी सुंदर कथाएं तत्व को समझाते हैं कथाओं के माध्यम से। अगर हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होता है और हम फिर भी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रखते हैं, तो गुरुजन जो कह रहे हैं, वो जो परिश्रम कर रहे हैं हमारे पीछे, जो मेहनत कर रहे हैं, एंडेवर कर रहे हैं हमारे पीछे, तो व्यर्थ जा रहा है। अब समझे, वो व्यर्थ जा रहा है, जस्ट इट उनके उनके बोल वेस्ट हो रहे हैं, ऐसा सिद्ध होता है। तो कहा गया है कि इतना अगाध श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखते हैं, तो ये अपराध है। कल ही मैं भक्ति चारू महाराज का बहुत सुंदर, परम पूजनीय भक्ति चारू महाराज का बहुत सुंदर कथा सुन रहा था, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने कविता में लिखी है शिवाजी महाराज के प्रति। मैंने
इसको आप सभी को भी फॉरवर्ड किया है, शायद आप सब लोग ने सुना भी होगा। तो शिवाजी महाराज जब सातारा में थे, वो ऐसे कह रहे थे, तो वो देख रहे थे कि उनके गुरु रामदास स्वामी भिक्षा मांग रहे थे, माधुकरी मांग रहे थे घर घर जाकर। जब शिवाजी महाराज ने देखा कि मेरे गुरु घर घर जाकर भिक्षा मांगना है, मैं उनका शिष्य हूं और पूरे राजा हूं मैं, तो मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूं। मेरे गुरु को दर दर भटकने के या यहां वहां जाके भीख मांगने की, या माधुकरी, ऑफकोर्स वो माधुकरी समझकर मांगते थे रामदास, लेकिन राजा और अन्य लोगों को तो भीख जैसा ही लगता है, दैट देयर इज नो डाउट। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, रामदास स्वामी को चिट्ठी लिखी कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं और तुम्हें घर घर जाकर मांगने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें सब कुछ अपने आप को मैं दे देता हूं आपको, फिर तो यह सारा सब तुम्हारा ही हुआ, जब मैं अपने आप को आपके शरण में आया हूं और आप अपना जीवन दे दिया हूं, मैं खुद आपका हूं, तो ये सब भी आपका ही होगा, तो मेरे गुरु को कुछ मांगने की जरूरत है। ऐसे सोचकर उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, लेटर लिखा था। तो रामदास स्वामी ने उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद जब मिले तो परम पूजनीय महाराज भक्तिचारु महाराज समझा रहे थे, मिलने के बाद हे राजा अब तो सब कुछ आपने दे दिया है मुझे, तो आपके पास भी कुछ नहीं रहा, तो चलो मेरे साथ हम दोनों मांग लेते हैं, घर घर जाकर मांग लेते हैं, क्योंकि उनके पास भी तो कुछ नहीं रहा और ये तो अनासक्त है, सन्यासी है, सिर्फ कॉपिन कॉपिन पहनते थे वो रामदास स्वामी, और गुरु के एक आदेश पर सारा उन्होंने पगड़ी, अपना जो भी पोशाक था, अपने जो आभूषण थे, सब अपने सैन्य को दे दिए, और वो भी सिर्फ धोती पहनकर मांगने लगे गुरु के साथ। दोनों गुरु और शिष्य दोनों भी माधुकरी मांगने के लिए घर घर गए। और ऐसे महाराज बता रहे थे कि रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे लिखते हैं, बड़ी सुंदर घटना लिखते हैं कि ये दोनों को मांगते हुए देखकर ऐसा दृश्य, ये इतना सुंदर दृश्य, ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी के ऊपर बड़ा पत्थर तैर रहा था, समझ गए ना, पानी के ऊपर वजनदार पत्थर तैर रहा है, समझ गए ना, या तैरा रहा है पानी, इतना पानी में बल है कि इतने वजन पत्थर को भी वो तैरा रहा है, मतलब इतने बड़े राजा को भी उन्होंने, जो मतलब जो राजा, जो व्यक्ति, जो जीवात्मा गुरुओं के कंट्रोल में रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता, ये सिद्ध हो रहा है यहाँ पे। और भी बड़ी सुंदर घटना है, समझ गया ना। तब रामदास महाराज ने देखा बड़े त्यागी है राजा होते हुए भी, इसलिए तब उन्होंने ये उपदेश दिया उनको कि तुम्हारी जो संपत्ति है हे राजा, ये तुम्हारी नहीं है, ना ही किसी की है, ये तो भगवान की है, इसलिए आप भगवान के प्रतिनिधित्व पर आप अन्य जनों तक ये आदेश, ये उपदेश, भगवान की जो उपदेश है ये देना ही परम कर्तव्य है। तो राजा के आदेशों का पालन करते हुए अपने मन में वो अनासक्त रखे और प्रजा, अपने प्रजा को बचाने के लिए वो सब धन इकट्ठा करते थे और राज्य करते थे, और बड़े स्ट्रिक्ट और बहुत सोबर थे। अगर शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ेंगे हम तो बहुत ही सोबर है, मैं जानता हूं बिकॉज आई एम महाराष्ट्रियन, पढ़ा हूं उनका। तो और एक सुंदर घटना, और शिवाजी महाराज तो ऐसे, ये भगवान की संपत्ति है, भगवान की ही संपत्ति है, ये सोचकर, ये भाव रखकर ही उन्होंने राज्य किया। और दूसरी ये बहुत सुंदर घटना भी है, एक बार जब उन्होंने तुकाराम महाराज को देखा और उनकी ख्याति सुनी,
बड़ी सुंदर, मतलब गृहस्थी होते हुए भी कितने वैराग्य है ये जब सुना तो शिवाजी महाराज अपने दो तीन सेनाओं को, मतलब अपने दो तीन सिपाही को, बहुत बड़ा परात प्लेट होता है ना, उसके अंदर हीरे ज्वारात सोना चांदी मोती और सुंदर आभूषण कपड़े, अपने उनके पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कपड़े और उनके लिए भी कपड़े, ऐसे ले जा रहे थे। जब तुकाराम महाराज अपने अभंग लिखने के लिए वो पर्वत पर जाते थे, समझ गया ना, तो तुकाराम महाराज घर पे नहीं थे, तो इस समय दो तीन सिपाही मिलकर ये सारे चीज लेके जाते हैं और शिवाजी महाराज पेड़ के पीछे छिपकर देखते रहते हैं क्या है ये सीन। तो जब ले जाते हैं तो उनकी पत्नी उनके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि ओ शिवाजी महाराज ने हमारे लिए भेजा है। तो पत्नी साड़ी पहनती है, सोने का श्रृंगार कर लेती है सर पर, कानों में और गले में कंकण विंकण सब डालती है और सुंदर साड़ी पहन लेती है और बच्चों को भी सजा देती है कपड़ों से, कपड़े और सोने चांदी से सजा देती है बच्चों को भी, दोनों बच्चों को, एक लड़का एक लड़की। तो तुकाराम महाराज अपना अभंग खत्म कर फिर आते हैं घर पे। घर पे आने के बाद ये अपनी सुंदरता, मतलब पत्नी अपनी सुंदरता अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए दरवाजे पर ही खड़ी रहती है कि पति कब आएंगे और देखेंगे, देखो राजा ने क्या भेजा है हमारे लिए, अब हमारे सारे दुख नष्ट हो गए, अब हम सुखी हो गए, ऐसा सोचकर। तो तुकाराम महाराज आते हैं, जैसे ही उनको देखते हुए भी अपने पत्नी के नाम से वो पुकारते हैं अंदर समझिए ना, उनका नाम आंवला था, ऐसा आंवले आंवले बोल के पुकारते थे। तो सामने ही खड़ी थी दरवाजे पर, अरे मैं इधर ही हूं, तुम अंदर का पुकार रहे हो, मैं दरवाजे पर ही तो खड़ी हूं, तुम्हारी तो राह देख रही हूं ऐसे। फिर तुकाराम महाराज उसकी पत्नी, मतलब अपने पत्नी को और बच्चों को देखते हैं, ओ ये तुम हो। तो तुरंत ऐसे आभूषण पहनने के बाद अपने पत्नी को पहचाने नहीं, समझी है ना। तो फिर एक एक कर सारे कान में से सर में से सारे उतार देते हैं और वो प्लेट में वापस रख देते हैं और बोलते हैं जाओ ये साड़ी भी उतार कर आओ, जाओ बच्चे तुम भी अपने कपड़े उतार कर आओ। तो बड़े नाराज होकर सारे बच्चे, मतलब दोनों बच्चे पत्नी सारे कपड़े उतार कर जैसे पहले जैसे गरीब अवस्था था वैसे ही फटे हुए कपड़े पहनकर आते हैं और वो सब प्लेट में रखते हैं, समझ गया ना। तो शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के इस वैराग्य को, गृहस्थी होते हुए भी इस वैराग को देखते और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, माय गॉड गृहस्थी होते हुए भी ये वैराग। ठीक है, एक वैरागी को समझ सकते हैं कि वो भटकते रहता है यहाँ वहां जंगलों में, पेड़ मतलब पर्वतों पर यहाँ वहां जाता है, तो मांगने से मतलब कुछ मिलती है, मतलब कुछ मिल जाता है, चावल कहो आटा कहो ये कहो, लेकिन ये गृहस्थी होते हुए भी, जैसे इसको इस तरह से समझना चाहिए, जब पानी नहीं होता है तो प्यास कंट्रोल हो सकता है, लेकिन कुआ होते हुए भी प्यासा रहना बहुत बड़ी बात है कि नहीं। कुआ होते हुए भी, पानी होते हुए भी, तालाब होते हुए भी प्यासा रहना बहुत बड़ी बात है। तो संसार में रहते हुए भी अनासक्त रहना, गृहस्थी होते हुए भी अनासक्त रहना, यह बहुत बहुत बड़ी बात है। शिवाजी महाराज ये जान पाए और तुरंत ही तुकाराम महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनके चरणों को छुआ और तुकाराम महाराज अरे 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 राजे तुमको, तुम्हारा स्थान ये नहीं है, ऐसे उठाते और उनको गले लगाते हैं। और तुरंत ही वहां पे शिवाजी महाराज पूर्ण त्यागी बनने का प्रयास करते हैं, मुझे अब, एक तो पहले अनुभव हुआ था रामदास के माध्यम से, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और राज्य हित पूरा दिया था, तो यहाँ तो वो तुकाराम महाराज के साथ ही रहना चाहते थे, बस अब मैं नहीं राज करूंगा,
अब बिल्कुल ही राज्य नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो पहले से अनासक्त थे। दो दो बार ऐसा प्रयास करना और वो भी राजा के लिए, समझ गया। हमारे पास थोड़ा धन है तो हमसे निकलता तक भी नहीं हमारे हाथों से, है ना, प्रचार के लिए कहो या साधु संतों के लिए कहो। बट तो शिवाजी महाराज ने ये किया। ऐसे राजा, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे जीवात्माओं के साथ, ऐसे भक्तों के साथ भगवान हर हमेशा सदैव उनके साथ रहते हैं। ये दृष्टांत है ये। और तुकाराम महाराज जब शिवाजी महाराज को देखा ऐसा त्यागी, तो तुकाराम महाराज ने सोचा था कि इन्हें कुछ उपदेश देना जरूरी है, तो उन्हें उपदेश दिया। कई दिनों तक, 7-8-10 दिन तक बैठकर उन्हें इतने वैरागी बने वो उपदेश देने के बाद। और धीरे धीरे उनको ये भी प्रेरित किया कि तुम राजा हो, तुम्हें राज्य करना चाहिए। ऐसे ही वैरागी रहकर, राज ऋषि कहा जाता है, राजा लेकिन ऋषि का भाव, सन्यासी का भाव। उस समय देते समय ये मुगल लोग जान गए कि अकेले शिवाजी महाराज वो साधु महात्मा के साथ है, जो भिखारी है, गृहस्थ होते हुए भी धनी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ विठल के मंदिर में शिवाजी महाराज को बोध दिया जा रहा है, मतलब ज्ञान दिया जा रहा है। अब अटैक करने का बहुत अच्छा मौका है। तो मोगल ने सारे सैनिकों को भेज देते हैं और शिवाजी महाराज को अटैक करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस समय तुकाराम महाराज ने जो विठल, भगवान विठल को जो प्रार्थना की, यहां तक कि उन्हें आदेश दिया तुकाराम महाराज कि तुम्हें आना पड़ेगा और शिवाजी महाराज को बचाना पड़ेगा, नहीं तो लोगों का विश्वास उड़ जाएगा, कैसे हो तुम, वैसे ऐसे बोलकर भगवान को बोलने लगे, वो चिल्लाने लगे भगवान। तो विठल के विग्रह में से अनेक शिवाजी महाराज निकलते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं ये मुगल को, शिवाजी है कौन, समझ गया ना। अनेक रूप निकलते हैं विठल से, शिवाजी महाराज के ऐसे अनेक शिवाजी महाराज उनके हृदय से निकलते हैं और घोड़े लेकर भागने लगते हैं और उनके पीछे ये मुगल के सैन्य भागने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है क्या, वो है क्या। और शिवाजी महाराज वहां पे शांति से बैठकर कथा सुन रहे हैं तुकाराम महाराज से वापस। ये दृश्य देखकर शिवाजी महाराज एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये कैसा है, इतना बड़ा सैन्य आने पर भी भगवान ने मुझे बचा लिया। तो इसीलिए कल भक्ति चारू महाराज कह रहे थे, मतलब उस वीडियो में कह रहे थे कि nobody has defeated शिवाजी महाराज, किसी ने भी उन्हें पराजित नहीं किए और ना कर पाए। क्यों? क्योंकि भगवान उनके साथ थे। ये दृष्टांत है, ये इतिहास है और ये सत्य है, दिस इज द प्रूफ। बट जब तक हम विषय आसक्ति बना रखते हैं तब तक भगवान हमारी रक्षा नहीं करते, दैट इज फाइनल। होते हुए भी हमें अनासक्त रहना चाहिए, विषय आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो शिवाजी महाराज को दो दो बार मतलब ऐसा अनुभव करना पड़ा, मतलब अपने आप को त्याग रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी अघात महिमा सुनने पर भी, समझ गया ना। तो शिवाजी महाराज भी सुना, रामदास के मुख से सुने हैं, तुकाराम महाराज के मुख से सुने हैं, और पूर्ण विश्वास रखकर वहां पे बैठे रहे तुकाराम महाराज के पास। तुकाराम महाराज थोड़े ऊंचे आसन पर बैठे थे और शिवाजी महाराज राजा होते हुए भी नीचे बैठे थे, उनके चरणों में बैठे थे और सुन रहे थे, और उनके आंखों में से अश्रु की धारा बह रही थी, इतना वैराग्य आ गया था। और उन्हें पता तक भी नहीं चला कि तुकाराम महाराज ने भगवान को आदेश दिए है, वो कथा में ही आ गया, आदेश दिए है और शिवाजी महाराज मतलब
शिवाजी महाराज को भगवान विट्ठल ने बचा भी लिया। तब तुकाराम महाराज कहते तुम वापस अपने राज्य में जाओ, वहां पे राजऋषि बनकर राज्य करो, ये सब संपत्ति जो है भगवान की है। तो ऐसे वैराग्य लोगों को भगवान देते हैं क्योंकि उन्हें इस्तेमाल करने की जो आर्ट है ऐसे राजऋषियों को पता होता है, समझे। मगर हम जो है आसक्त होने के कारण जब भी कुछ थोड़ा भी चला जाता है हमसे तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसक्त है हमें। सो इस तरह से यह अपराध है कि इतनी अघात महिमा, भगवान के नाम की महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना ये अपराध है। विषय आसक्ति का अर्थ ये मेरा और ये मैं, समझ गए ना। तो हमें हर हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा वैसे कुछ भी नहीं है, और मरने के बाद तो हम लेके तो नहीं जा रहे, ये तो प्रूफ है। हमारे सामने इतने लोगों का उदाहरण है कि मरते समय वो लेके तो नहीं जा रहे, ना टाटा लेके गया, ना बिरला लेके गया, ना क्या बोलते हैं अंबानी लेके गए, कहीं लीडर्स चले गए सब कुछ छोड़कर। इतना सब हम अनुभव देखते हुए भी हमारे हृदय में ये विषय आसक्ति बनाए रखते हैं हम। लेकिन जब भगवान की है ये समझे तो ये अपराध नहीं है, होते हुए भी सब कुछ भगवान का है, दैट देयर इज नो डाउट। और उसे भगवान की सेवा में लगाओ, भले आपके माध्यम से या गुरु के माध्यम से, अब भगवान की सेवा में लगाओ, वैष्णव की सेवा में लगाओ, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।